उनको टारगेट करते हैं। मीडिया प्रोडक्टिविटी मॉनिटर। ताइवान कॉम्प्यूटेक्स 2024 और भाई हम यहाँ पे लास्ट ईयर भी आए थे और यहाँ पे भाई अपकमिंग जितने भी प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं ब्रांड्स के, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज होती हैं वो सारी हम कवर करेंगे। एंड आज हम स्टार्ट करें सबसे पहले MSI से, MSI के डेस्कटॉप कंपोनेंट्स। और ये है 2024, चल रहा है AI का एरा और यहाँ पे जितनी भी मशीन्स हैं सब में AI। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी MEG सीरीज से, और जो इनकी MEG सीरीज है ना वो सबसे मतलब टॉप टीयर प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर टेक एंथुसियास्ट हो गए, तगड़े गेमर हो गए, उनको टारगेट करते हैं। काफी एक्सक्लूसिव और काफी तगड़े प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसा ही तगड़ा प्रोडक्ट यहाँ पे भाई हमारे को दिखा, इनका एक मॉनिटर जो है QD OLED जिसके अंदर सैमसंग की डिस्प्ले है, और ये है भाई 32 इंचेस का OLED मॉनिटर 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और जैसे कि मैं AI कह रहा था ना भाई, मॉनिटर के अंदर AI, इसके अंदर AI स्पेक्ट्रम बार है। एक मॉनिटर के नीचे हमारे यहाँ पे लाइट मिलती है और ये लाइट भाई गेमिंग के हिसाब से एडजस्ट होती है। जैसे इसके अंदर ना मॉन्स्टर हंट गेम चला रखी है हमने, इसके अंदर जैसे मैं गन को चला रहा हूं तो मेरी एमओ जैसे यहां पे खाली हो रही है, वैसे यहां पे आप देख सकते हो लाइट भी कम हो रही है, और जैसे ही मैं रीलोड करूंगा यहाँ पे लाइट ऑटोमेटिकली फिलअप हो गई। और इसके अंदर हमारे को डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे हेल्थ का भी मिलता है, शार्पनेस वगैरह होगी, एमओ इंडिकेटर हो गया। एंड ये भी लिमिटेड गेम्स पे, जैसे जो गेम हम अभी खेल रहे हैं इसके अंदर तो इसका सपोर्ट है, बट अभी फ्यूचर में और गेम्स का सपोर्ट भी आएगा। एंड भाई कितनी सही चीज है ना, गेम खेल रहे हैं एमओ खत्म होने वाली है, लाइट से पता लग रहा है, ये नहीं कि सामने एनिमी आया और भाई रीलोड तो करना मैं भूल ही गया था। और भाई ये मॉनिटर आता है OLED के 2.0 के साथ, और इसके अंदर हमारे को दुनिया भर के फीचर मिलते हैं, जैसे पिक्सल शिफ्ट हो गया, पैनल प्रोटेक्ट हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपके OLED बर्निंग नहीं होगी आपके डिस्प्ले पे। अब हम लंबे लंबे आवर्स के लिए गेमिंग करेंगे, इतने सारा HUD होता है गेम के अंदर, कुछ छपना जाए स्क्रीन पे, तो भाई वो प्रॉब्लम इस मॉनिटर के अंदर नहीं आएगी। और भाई यहाँ पे एक एक्साइटिंग कैबिनेट मेरे को दिखी, MEG Vision X AI, इसके अंदर 13 इंचेस की अपनी IPS डिस्प्ले है 1080p वाली, जो एज अ सेकेंडरी मॉनिटर डिटेक्ट होती है हमारे सिस्टम के अंदर, और इसके अंदर भाई आप कुछ भी कर सकते हो, और फुल टच स्क्रीन है ये। जैसे हमारे को इसके अंदर कोपायलट खोलना है, हे कोपायलट, और यहाँ पे हमारा कोपायलट खुल चुका है, इसके अंदर कोई भी आप कमांड दो, कोई वीडियो देखनी है वीडियो देखो, या अपने सिस्टम को कंट्रोल करो ऑन द गो स्क्रीन पे। और ये स्क्रीन भाई मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो सकती है, प्रोडक्टिविटी के लिए यूज हो सकती है, किसी बंदे को लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, उसके ऊपर चैट्स वगैरह पढ़नी है, एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले भाई आपके कैबिनेट पर डिस्प्ले लगी हुई है। और इसका भाई डेडिकेटेड अपना सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको डिफरेंट मोड सेलेक्ट करने हो, गेमिंग, वर्क, मीटिंग वगैरह हो गया। और यहाँ पे AI इंजन भी हमारे को मिल जाता है, टाइम एंड डेट वगैरह आ जाती है, पूरी की पूरी मॉनिटरिंग आ रही है, एप्लीकेशन आ रही है, डिफरेंट यूज के सिनेरियोज भी है। तो भाई टच स्क्रीन है यहाँ पे, ऑन द गो कुछ भी सेलेक्ट करना और फुल मजे में सेलेक्ट कर लो। और भाई AI यहीं पे खत्म नहीं हो रहा, इसके पैनल के ऊपर हमारे को AI HMI करके फीचर मिलता है, जिसके अंदर हम जिस टाइप का टास्क करेंगे सिस्टम के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे स्काइप खोला तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो मीटिंग मोड में शिफ्ट हो गया, और जैसे हमने कोई वीडियो प्लेबैक करा तो एंटरटेनमेंट मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे कोई गेम वगैरह खेलोगे आप तो ऑटोमेटिकली गेम मोड पे शिफ्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम आपके लिए खुद करेगा सारे का। और ये पीसी बिल्ड भी भाई बैक कनेक्ट मदरबोर्ड डिजाइन के साथ आता है, जैसे भी हमने प्रोजेक्ट जीरो के पीसी बिल्ड करी थी ना जिसमें केबल्स वगैरह नहीं दिखती, सिमिलर मदरबोर्ड इसी के अंदर लगता है, कोई केबल वाला सीन नहीं, एकदम क्लीन सेटअप आपका रहेगा। और ये प्री बिल्ड मशीनरी होगी, आप इसको कस्टम बिल्ड नहीं कर सकते, बट अभी किस किस स्पेसिफिकेशन ऑप्शन में आएगी वो अभी डिसाइडेड नहीं है। और भाई मैं यहाँ से जा रहा था, अब मेरे को दिखी एक बहुत तगड़ी पीसी बिल्ड, आप पहले तो इस केस की शक्ल देखो भाई, इतनी सुंदर लुक्स, और ये यूनिक डिजाइन है, मतलब इसका जो ग्लास है ना वो पूरा का पूरा एक है, कर्व्ड ग्लास, एंड इवन जो इसकी बॉडी है बॉडी भी पूरी की पूरी एक है, कोई भी बीच में डिवीजन ही नहीं है, पूरी पूरी एल्यूमिनियम बिल्ड में। और भाई क्या सुंदर केस लग रहा है, एंड ये जो केस है ना भाई एक्सक्लूसिव है, सिर्फ और सिर्फ 1000 यूनिट्स इसके मिलेंगे। अब कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो बाद में पता चलेगा, बट यस ओवरऑल अगर इसके आप लुक्स देखते हो ना भाई, मैं तो हैरान हो गया देख के, मतलब मन कर गया एक उठा के ले जाओ यहां से। चले काम करते उठा ही लेते हैं, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। एंड जैसे कि AI की बातचीत चल रही है, अब MSI ने कहा हम कैसे पीछे हट जाएं, इन्होंने अपना निकाला है सॉफ्टवेयर AI आर्टिस्ट XMSI चैट, आप इससे आप नॉर्मल बातचीत कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा हाय, वो कह रहा भाई कैसे असिस्ट करें, फॉर एग्जांपल इससे पूछ लेते हैं हम, ड्रॉ एन इमेज ऑफ अ डॉग प्लेइंग विद फुटबॉल ऑन मून। भैया आर्टिस्ट है तो आर्टिस्टिक चीजें होनी चाहिए, ओए होए क्या बढ़िया इमेज निकाल के दिवाइस ने, देख रहे हो। और ये जो सॉफ्टवेयर है NVIDIA RTX की तरफ से पावर्ड है, तो अगर आपके पास RTX वाला ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा तो ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। अब थोड़ा सवाल और पूछ के देख लेते हैं, यहाँ पे लाइटेस्ट लीनियर मैकेनिकल स्विच वाला कीबोर्ड कौन सा है, अरे कह रहा है MSI का ही है, बहुत बढ़िया। बेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड, नहीं पता, इसको बताओ कि वेनम स्टेक है।
अब बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि भैया थंडरबोल्ट 4 पोर्ट वाला लैपटॉप ले लिया या पीसी में मदरबोर्ड लगवा लिया, उसका काम तो कुछ होता नहीं है, मतलब नॉर्मल टाइप सी पोर्ट की तरह काम करता है, बट नहीं, अब हो जाएगा एक एंड यूजर के लिए फायदा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल लॉन्च कर दिया थंडरबोल्ट शेयर। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमारा एक डेस्कटॉप कनेक्टेड है, जो हमारा जो पीसी में आपको भी दिखा रहा था, और एक हमारा लैपटॉप कनेक्टेड है, दोनों थंडरबोल्ट 4 पोर्ट वाले हैं, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप दोनों शो कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ पे हमारे कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, जैसे यहाँ पे ये वाली फाइल आप देख सकते हो, इस फाइल का साइज है 28 GB, और यहाँ से ये फाइल बस जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो 28 GB की फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कितनी फास्ट ट्रांसफर हो रही है। अब जितनी भी मोटी पार्टी बातचीत वाले लोग हैं ना, जो तगड़े तगड़े पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए तगड़ी तगड़ी पावर सप्लाई। MSI ने बोला होल्ड माय कैन, यहाँ पे MSI की MEG AI 1600T PCIe 5 वाली PSU, और जैसे ये 1600 लिखा है नाम में, तो 1600 वॉट वाली पावर सप्लाई है, 80+ टाइटेनियम सर्टिफाइड, और ये जो सर्टिफिकेशन होते हैं गोल्ड सिल्वर टाइटेनियम जो भी है, इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखे है, आप वो चेकआउट कर लेना कि कैसे PSU सेलेक्ट करते हैं। और इसके अंदर हमारे को डुअल नेटिव 16 पिन कनेक्टर मिलते हैं, यानी कि अगर आपको अपने पीसी में दो 4090 लगाने हैं तगड़े ग्राफिक्स कार्ड, दिस विल डू द वर्क फॉर यू। और इसके अंदर भी सेम हमारे को भी कलर केबल मिल जाएगी, जिससे हमारे को पता रहता है कि प्रॉपर कनेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, जिससे हमारा शॉर्ट सर्किट वगैरह काफी ज्यादा बच जाता है। अब MEG सब कवर करने के बाद हम आ गए MPG वाले बूथ पे। MPG सेगमेंट के जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो मिड सेगमेंट वाले होते हैं, मतलब मिड सेगमेंट टू हाई एंड गेमर्स, सुपीरियर डिजाइन मिलता है हमारे को। और उसके अंदर सबसे पहले भाई यहाँ पे भी मॉनिटर, जिसका मॉडल है MPG 321URXQDOLED। भैया पूरा का पूरा एड्रेस दे दिया है यहाँ पे, मतलब क्या बात चल रहा है। और इसके अंदर भी हमारे को OLED के 2.0 मिल जाता है, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और 32 इंच का मॉनिटर है, तो तगड़ी स्क्रीन, और भाई OLED वाला मामला है, तो गेम खेलने में फील ही आ जाएगी इसके ऊपर। और यहाँ पे होराइजन फॉरबिडन वेस्ट इन्होंने डाल रखा है, और भाई इस पे गेम खेल के जो फील आ रही है ना, मतलब एक एक चीज कलर्स वॉलर्स इतने तगड़े दिखाई दे रहे हैं, भाई OLED का स्वाद तो है। नहीं क्या मतलब OLED मॉनिटर लेने वाला हूँ मैं, ओ भाई अभी ये कितना पतला मॉनिटर है, बिल्कुल स्लीक डिजाइन है। PSU वाला मामला थोड़ा जैसे पीछे आ जाएगा ये वाला, लेकिन उसके अलावा अगर मॉनिटर देखोगे ना भाई, जैसे एकदम पेपर थिन। और भाई यहाँ पे है DigiMe करके एक सॉफ्टवेयर, जो MSI और रेड पिल ने कोलैबोरेशन बनाया है, ये उन लोगों के लिए जिनको भाई लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, ज्यादा हाई एंड सेटअप नहीं है बैकग्राउंड में, और वो चाहते हैं हम थोड़े कूल दिखें। और यहाँ पे अपना AI के थ्रू अपना अवतार क्रिएट कर सकते हो, और रियल टाइम ट्रैकिंग होती है, जैसे मैं यहाँ पे हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, अपना मुंह खोलते हैं, कुछ भी है, तो भाई वो पूरा का पूरा सही से ट्रैक होता है। सोचो लाइव स्ट्रीम पे आपका असली चेहरा है, फिर आपका AI अवतार है, क्या तगड़ा ही लगेगा। और ये जो मॉनिटर है जिसके ऊपर हमें सारा काम कर रहे हैं ना, वो है MPG सीरीज का 34 इंचेस का 1440p मॉनिटर है, और ये भी 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ है। एंड भाई ये भी हमारा OLED मॉनिटर ही है, जिसके अंदर हमारे को OLED केयर 2.0 तो मिलता ही, और बाकी सारे फीचर्स आप सामने देख ही सकते हो। और ये हमारा अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, तो अल्ट्रा वाइड अगर आप ढूंढ रहे हो तो ये एक चॉइस बन सकता है जब ये लॉन्च होगा। और भाई जैसे कि MPG सीरीज है, वेलॉक्स 100R हमने काफी पीसी बिल्ड में यूज कर रखी है, उसका अपग्रेड, उसका सक्सेसर वेलॉक्स 300R आ चुकी है। और भाई इसके अंदर हमारे को प्री इंस्टॉल्ड दो 160mm के दो ट्विन गेल वाले फैंस मिलते हैं। और भाई ट्विन गेल पता क्या सीन है, इसमें फैन जब चलता है ना, नॉर्मल फैन का एयर फ्लो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन इसका एयर फ्लो कुछ ऐसा होगा, तो उससे आपकी जो वेंटिलेशन है, जो कूलिंग है सिस्टम की, वो बहुत तगड़ी हो जाएगी। ठंडक बहुत जरूरी है, FPS तभी तो ज्यादा आएंगे। और भाई जैसे कि 160mm के फैन से, तो काफी बड़ा साइज है फैन का, और RGB जलने के बाद जो भाई प्यारी लुक देते हैं वो तो है ही। एंड इस केस के अंदर हमारे को चार कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके फ्रंट पैनल यहाँ पे रखे हुए हैं, तीन कलर तो ये हुए, और अपना सफेद सफेद व्हाइट कलर तो है ही, दिल से प्यार। और यहाँ पे आप जैसे कि स्लॉट्स वगैरह देख सकते हो, ये भी बैक कनेक्ट मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है, जो प्रोजेक्ट जीरो की बात मैं भी कर रहा था, वो इसके अंदर भी लग जाएगा। अब साफ सुथरे पीसी बिल्ड करो, पीछे होनी चाहिए तारे, आगे कुछ नहीं चाहिए, लाइटों को छोड़ के। और यहाँ पे MPG कोर लिक्विड की पी सीरीज का AIO, भाई ये वाला जो AIO है ना, जिसको भी पीसी बिल्डिंग में लगता है ना सबसे टीडीएस टास्क AIO को सेटअप करना है, इसके अंदर यहाँ पे कोई सेटअप करने का सीन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे फैंस है ना, आपस में कनेक्टेड है, 120mm के 3 फैंस है, और हमारे को सिर्फ 4 स्क्रू कसने हैं ऊपर और नीचे, एंड कनेक्शन भी सिंगल है। अगर आपके कैबिनेट के अंदर टाइप सी वाला कनेक्शन है, तो टाइप सी सिंगल कनेक्शन करो, उसके अंदर इसकी IPS LCD भी और इसकी RGB लाइटिंग सब कुछ हो जाएगा। एंड अगर टाइप सी पोर्ट नहीं है तो उसके लिए भी कनेक्टर है ट्रेडिशनल वाले, तो उससे भी आप सेटअप कर सकते हो। और इसके अंदर 4.3 इंच की IPS डिस्प्ले हमारे को मिलती है, एंड ये डिस्प्ले आप टिल्ट भी कर सकते हो, जैसे पैनोरामिक व्यू वाले पीसी बिल्ड हो रहे हैं आजकल, जैसे मैं अभी आपको दूसरी कैबिनेट दिखा रहा था, हमने भी पीसी बिल्ड करे हैं। अब क्या होता है, हमारी स्क्रीन सीधी होती है तो दिखती नहीं है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, कुछ भी अपने जिंदगी के स्वाद लेने हो, लुक्स नहीं खराब होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे आप हिला पाओगे, I mean स्क्रीन को हिला पाओगे। और इसके अंदर भाई यूनि ब्रैकेट डिजाइन है, चाहे इंटेल वाली बिल्ड कर रहे हो, चाहे AMD वाली कर रहे हो, उसके लिए सेम ही ब्रैकेट हमारे को मिलेगा। और ये जो यूनि ब्रैकेट डिजाइन है ना, ये आने वाले सारे AIOs में होने वाला है, तो कोई चक्कर ही नहीं, अब इंटेल से AMD पे शिफ्ट करो, AMD से इंटेल पे करो, तुम्हारी मर्जी। अब आ गए हम MAG सीरीज के काउंटर पे, और ये MAG सीरीज वही है जो हमारी बजट फ्रेंडली गेमर्स को टारगेट करने वाली ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे भी OLED मॉनिटर है, ये 27 इंचेस वाला है, और सारी चीजें हमारे को वाली मिली जाती है जो एक्चुअल दूसरे मॉनिटर्स में आपको दिखा रहा था। एंड इन्होंने जो अपनी OLED सीरीज है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, मतलब आपको हर सीरीज में मिल जाएंगे, अल्ट्रा वाइड है, 4K है, 1440p है, 27 इंचेस है, डिफरेंट साइजेस हो गए, और
साइज मैटर्स भाई गेमिंग में भी। और अगर आप बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हो तो एमएजी सीरीज के एआईओस भी हैं यहाँ पे। और भाई एमएजी सीरीज के होते हुए भी यहाँ पे एक तो कोई वायर का सीन नहीं है, यहाँ पे सिंगल वायर हमारे को मिलती है। अगर एआईओ के कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना चाहते, सिंगल वायर आप कनेक्ट करो और जो सारी वायर्स है ना वो एक्चुअल है इसके अंदर, उसके ऊपर एक कवरिंग लगा रखी है जिससे वो वायर दिखती नहीं है। एंड यहाँ पे जो i360 वाला वेरियंट है ना, जो व्हाइट वाला है, इसके ऊपर इन्फिनिटी मिरर डिजाइन है जो काफी मतलब कूल लगता है। और यहाँ पे पैनोरामिक व्यू का ख्याल रखा गया, पैनोरामिक केसेस के हिसाब से बनाया कि इधर से भी लाइट दिखेगी और इधर से भी लाइट दिखेगी। और भाई जैसे कि एएमडी 9000 सीरीज के सीपीयूज लॉन्च हो चुके हैं, तो एमएसआई ने बोला भाई हमारे मदरबोर्ड पीछे कैसे रह जाए, तो यहाँ पे दो मदरबोर्ड्स लॉन्च हुए हैं जो कल ही लॉन्च हुए हैं और आज हमारे हाथों में, जिनका मॉडल है प्रो X870P Wi-Fi और दूसरा है एमएजी X870 टोमाहॉक Wi-Fi। इसके अंदर हमारे को इजी M.2 क्लिप डिजाइन भी मिलता है, जिसके अंदर मतलब एसएसडी लगाने के लिए स्क्रू का चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट निकालो एसएसडी लगाओ और डायरेक्ट लगा दो अपना क्लिप उसके ऊपर। और इसके अंदर हमारे को लैचलेस जीपीयू डिजाइन मिलता है। नॉर्मली मदरबोर्ड में इस टाइप की लैच मिलती है ना कि आपको ये हटानी है फिर इन मदरबोर्ड निकालना है, ये यूजुअली टूट भी जाती है दो चार बारी आगे पीछे करने के बाद, लेकिन इसके अंदर ना प्रॉपर मैकेनिज्म है और इधर से हम बटन दबाएंगे और आराम से अपना मदरबोर्ड निकाल सकते हैं। और बाकी जो इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो आपके सामने आ रही होंगी, वीडियो पॉज करके देख लेना। और भाई अगर आपको फ्लैशी पीसी बिल्ड नहीं करने, आरजीबी के ज्यादा तड़के नहीं चाहिए, थोड़ा आपको सोफिस्टिकेटेड टाइप का लुक चाहिए, थोड़ा क्लासी पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तो एमएसआई की मॉडर्न सीरीज का पीसी केस आप ले सकते हो। और इसके अंदर आप देख रहे हो भाई डिजाइन, एक तो व्हाइट कलर की कैबिनेट है, साथ में वुडन डिजाइन है, ऊपर आप देखोगे यहाँ पे हैंडल्स वगैरह हैं, 50 केजी तक ये वेट हैंडल कर सकती है। इवन जो फैंस भी है, फैंस के आसपास भी हमारे को वुडन डिजाइन मिलता है जो काफी तगड़ी और काफी मतलब एक प्लेन सिंपल और क्लीन लुक देता है। और भाई यहाँ पे इनकी वाइड रेंज है, कीबोर्ड माउस हेडफोन जिसमें वायर्ड भी हैं, वायरलेस भी हैं, जैसे माउस में क्लच सीरीज हो गई जो इनके लाइट वेट माउस आते हैं, उसके अलावा इनका हेडफोन हो गया, 4 सीरीज के कीबोर्ड माउस के कॉम्बो हैं, बहुत सारी वैरायटी है। देखते हैं इसमें से क्या क्या लॉन्च होता है इंडिया में, फिर हम वो डेडिकेटेडली कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको फोर्स में करनी है गेमिंग, तो 4 सीरीज के गेम पैड इनके लॉन्च हो रहे हैं। और ये जो फोर्स प्रो सीरीज है ये एक्सबॉक्स लाइसेंस कंट्रोलर है, मतलब पीसी पे तो चला ही पाओगे, आप अपने एक्सबॉक्स पे भी चला सकते हो। और भाई इसके अंदर मिलते हैं हमारे को स्वैपेबल डी पैड्स, अगर भाई खराब हो जाए तो ये पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली ये सेपरेटली बेचने वाले हैं। और ये कवरिंग कुछ इस तरीके से लग जाती है, मैग्नेटिक हिसाब किताब है। और यहाँ पे हमारे को हॉल इफेक्ट वाले ट्रिगर मिलते हैं, यानी कि मैग्नेटिक वाला सीन है। यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर इंटेंसिटी आप सेट कर सकते हो, जैसे आपको सिंगल क्लिक वाली रखनी है या पूरा प्रेस करना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट गेम्स। और जो मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एमएसआई ने बोला भैया हम आपका भी ख्याल रखेंगे, मैग सेफ वाली एसएसडी, यहाँ पे आप टाइप सी के थ्रू फोन में कनेक्ट कर सकते हो और ये पीछे कुछ इस तरीके से अटैच हो जाती है, एंड अपना डेटा ऑन द गो लेके चलो, कोई टेंशन ही नहीं। और आईफोन 15 प्रो इसे लगा रखा है क्योंकि एस लॉक की रिकॉर्डिंग करने के लिए एक्सटर्नल एसएसडी लगती है, तो वहां पे भी ये काम आ जाएगा कंटेंट वालों। और आपने कोई पीसी बिल्ड करी है, कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज आपके पास पड़ी है, आपने अपग्रेड कर लिया है, अब उस स्टोरेज को यूज करना है, एसएसडी का एनक्लोजर भी है और ये टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, आराम से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे डिफरेंट एसएसडीज हैं इनकी, स्पेशियम सीरीज की, और यहाँ पे स्पेशियम का फ्रॉजर भी है, जो हमारी हाई स्पीड वाली एसएसडी होती है गर्म हो जाती है, इससे भाई काफी हद तक टेम्परेचर्स कम रहते हैं उसके। और यहाँ पे इनके रोमी सीरीज के वाईफाई 7 राउटर्स हैं जो अप टू 6200 स्क्वायर फीट एरिया तक कवर कर सकते हैं, मतलब काफी तगड़ी रेंज है इनकी। और इसके अंदर हमारे को अप टू 21 Gbps तक की भाई तगड़ी स्पीड मिलेगी। तो अगर आपको अपने ऑफिस वगैरह के लिए कोई वाईफाई राउटर चाहिए, या फिर अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो या घर पे अपना तगड़ा सेटअप बनाना है, तो ये वाले वाईफाई राउटर्स डेफिनेटली बहुत काम की चीज है। और भाई यूएसबी वाला वाईफाई 7 अडैप्टर जो यूएसबी 3.2 Gen 1 इंटरफेस पे चलता है, और ये अप टू 2882 Mbps 6 GHz तक को सपोर्ट करता है। तो मतलब अगर आपके ऑफिस में घर पे तगड़ा वाईफाई आपने लगवा लिया लेकिन आपका लैपटॉप या पीसी सपोर्ट ही नहीं करता, तो ये लगा लो ना फुल स्पीड, पढ़ाई पढ़ाई। और भाई अब हम आ चुके हैं अपने मोस्ट लव्ड सेक्शन में, ग्राफिक्स कार्ड। भाई गेम खेलने पूरे, और खाली गेम में ग्राफिक कार्ड यूज नहीं होता, पढ़ाई लिखाई में भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास SFF रेडी वाले ग्राफिक्स कार्ड है, यानी कि स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले। अगर आप छोटा पीसी बिल्ड करना चाहते हो, परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज दीजिए, तो काफी स्लिम ग्राफिक्स कार्ड है जो आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर 4070 Ti 4070 वगैरह आपको मिल जाएगा। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा ग्राफिक्स कार्ड, छोटा पतला पीसी बिल्ड। और भाई एक्सपर्ट क्रिएटर्स या एक्सपर्ट गेमर्स के लिए एक्सपर्ट सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड इनका। इसके अंदर पुश एंड पुल एयरफ्लो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि फैन एक तरफ से एयर इनटेक लेगा, एक तरफ से एग्जॉस्ट करेगा, और उसकी वजह से जो कूलिंग है वो काफी सही मेंटेन रहती है। एंड ये सिंगल एल्यूमिनियम कट डिजाइन है, यहाँ पे जॉइंट्स वगैरह बहुत मिनिमम है ग्राफिक कार्ड के अंदर, और काफी भाई तगड़ी लुक के साथ आता है। और यहाँ पे गेमिंग एक्स ट्रायो, गेमिंग एक्स सुपर स्लिम, उसके अलावा उसमें डिफरेंट कलर्स और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड है जो अपने हिसाब से आप पीसी बिल्ड में चूज करोगे। और हम पीसी बिल्ड करेंगे स्टूडियो में तो आने दो। यहाँ पे इनके फ्यूजन सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड, जिसके अंदर हमारे को दो टाइप के ग्राफिक्स कार्ड मिलते हैं, सुप्रीम एंड एक्सपर्ट। एंड ये ग्राफिक्स कार्ड उनके लिए जो हाई इंटेंसिव वर्क करते हैं, उनके ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज्यादा यूज में रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपना लिक्विड कूलर आता है ग्राफिक्स कार्ड के अंदर। पहले भी ग्राफिक्स कार्ड आते थे लिक्विड कूलर के साथ, लेकिन उसका क्या था ना, अलग से लिक्विड कूलर होता था। अब इंटीग्रेटेड है ग्राफिक्स कार्ड के अंदर ही पूरा हिसाब किताब है, जिससे आपकी ठंडक बरकरार रहेगी और काम में दिक्कत नहीं आएगी। अब हाई एंड 4K पे गेमिंग करो या 3D रेंडर्स निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे पूरा ग्राफिक्स कार्ड खोल के दिखा रखा है कि कैसे इसके अंदर पूरा सिस्टम है, कैसे मतलब
मतलब इसका अंदर रेडिएटर वगैरह लगा हुआ है और काफी भाई प्रीमियम सी तगड़ी फीलिंग है भाई। और भाई यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड है ना, इनके ऊपर जो डिजाइन है ड्रैगन वगैरह बना हुआ है, ये AI जनरेटेड है, मतलब AI के कमांड के थ्रू बनवाया और इन्होंने वो ग्राफिक्स कार्ड पे लगा दिया है। अब ये बिकने के लिए आएगा ये नहीं पता, लेकिन भाई लग बहुत तगड़ा रहा है। और यहाँ पे NVIDIA के CEO का सिग्नेचर है, अप्रूव्ड लिख के गए हैं, कह रहे भाई साहब पप्पू पास हो गया। यहाँ पे इन्होंने नॉन मेटल वेपर चेंबर हीट सिंक लगा रखी है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे ना भाई, अंदर पानी सा भर रखा है और बबल्स आ रहे हैं और उसके थ्रू हमारी SSD ठंडी हो रही है। इसके ऊपर जैसे हाथ भी लगा रहा हूँ ना, तो मतलब थोड़ी सी हीट तो फील हो रही है और काफी सही तरीके से थर्मल सॉल्यूशन मेंटेन करेगा हमारी SSD का। और यहाँ पे मेंशन है अगर मेटल एल्यूमिनियम वाली हीट सिंक लगाते हैं ना, तो हमारे टेम्परेचर्स 54 के आसपास होते हैं, लेकिन अगर ये पानी वाला हिसाब किताब रखेंगे तो भाई सीधा 43 के आसपास होता है। भाई SSD में पानी डाल दिया, कहाँ जा रही है टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे स्पेशियम M580 फ्रॉजर जो हमने लास्ट ईयर भी कवर किया था, जो हमारी Gen 5 SSDs के लिए तगड़ा थर्मल सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड होती है ना, तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। ये काफी ज्यादा टेम्परेचर कम कर देता है अप टू 20 डिग्रीज। अभी जो PCs मॉनिटर्स वगैरह जो है सिर्फ गेमर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स हो गया, गेमर्स वगैरह हो गए। यहाँ पे MSI के कमर्शियल सीरीज के मॉनिटर्स और PCs भी है। जैसे सबसे पहले हमारे को QB सीरीज की नक मिल जाएगी यहाँ पे, जो हमारा बिल्कुल छोटा सा PC होता है, मिनी PC आप कह सकते हो उसको, एंड उनके लिए बहुत काम का है जिनका थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वाला काम है, मीटिंग्स वगैरह काम करना चाहते हो। उसके अलावा इनका एक DP21 करके एक PC है, जो मिनी PC से थोड़े बड़े डिजाइन में आता, थोड़ा बेटर थर्मल सॉल्यूशन के साथ आता है। और ये दोनों के दोनों हमारे Intel vPro सिक्योरिटी सॉल्यूशन के साथ आता है और EPEAT सर्टिफाइड भी है, यानी कि जितना मटेरियल इसके अंदर यूज हो रखा है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब एनवायरमेंट को हार्म नहीं होगा। और ये वीजा माउंटेबल भी है, अगर आपको मॉनिटर के पीछे लगाना ना कुछ इस तरीके से, तो आप लगा सकते हो। और यहाँ पे इनका प्रो सीरीज का मॉनिटर भी है, जो WQHD मॉनिटर है, मिनिमम 100 Hz हो चुका है। आप भैया उससे नीचे चाहिए ही नहीं, 60 Hz 75 Hz आप हटाओ, नॉर्मल प्रोफेशनल कामों के लिए भी 100 Hz। एंड ये मॉनिटर डेजी चेन भी हो जाता है DP पोर्ट के थ्रू, अगर आप ऑफिस के लिए ले रहे हो, एक मॉनिटर है, दो मॉनिटर, तीन मॉनिटर है, तो वो DP पोर्ट के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे सिस्टम एक ही हो आपके पास। और यहाँ पे हमारे को 5 USB पोर्ट मिलते हैं, LAN पोर्ट भी मिल जाता है, प्लस वेबकैम प्री इंस्टॉल्ड मिलता है इसके अंदर। तो जिस टाइप के लोगों को टारगेट करता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स या ऑफिस वाले, सारी मतलब रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाएंगी। और यहाँ पे इनका मॉडर्न सीरीज का AIO, जिसके अंदर हमारे को कोर अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर मिलते हैं, एंड इसके अंदर हमारे को थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाएगा, वीजा माउंटेबल है ये, इसके अंदर हमारे को DDR5 RAM मिल जाएगी और इसके अंदर हमारे को 1080p वेबकैम भी मिल जाता है। और यहाँ पे इनके मॉडर्न सीरीज का मॉनिटर भी है, जो प्रोडक्टिविटी और मल्टीमीडिया वाला मॉनिटर है, मतलब इसके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर आप OTT एप्स वगैरह, YouTube वगैरह, जैसे तुम्हारे भाई की वीडियो चल रही है यहाँ पे, वो आप देख सकते हो। एंड ये आता है 4K रेजोल्यूशन के साथ, तो आपको गेमिंग कंसोल के साथ भी कनेक्ट करना हो, PC पे अगर आप स्टोरी गेमिंग वगैरह भी करते हो तो उसके अंदर भी काफी हद तक यूज हो जाएगा। एंड इसके अंदर बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी, अगर आपको फोन मिरर करना है इसके ऊपर, तो वो ऑन द गो आप कर सकते हो। और बाकी जो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे भाई MSI के DIY मदरबोर्ड्स हैं। अब ये DIY पता क्यों है, इसके अंदर आपको स्क्रू ड्राइवर की नीड ही नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो Gen 5 M.2 वाला स्लॉट है, जस्ट यहाँ पे पुश करना है और ये हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे SSD लगाओ और ये आप नॉर्मली हाँ तो सही वापस लगा सकते हो। और भाई ये वाला जो मदरबोर्ड है ना, इंटेल के CEO ने साइन कर रखा है, यहाँ पे लिख रखा है MSI awesome, ऐसा है क्या सही में। और उसके अलावा GPU के लिए भी क्विक रिलीज वाला बटन मिलता है, आप देख रहे हो यहाँ पे प्लास्टिक वाला लैश नहीं है, जस्ट आपको बटन प्रेस करना है और आप नाम GPU आराम से निकाल सकते हो। और एक और चीज जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो एंटीना है ना, वो नॉर्मल बस कुछ इस तरीके से आप प्लग इन कर सकते हो, कोई भी ऐसा स्क्रू वाला सीन नहीं है, जैसे कसने होता है ना, तो बहुत ही मतलब इजी सीन है। इवन जो इसकी M.2 फ्रॉजर शील्ड है ना, ये भी हमारे को क्विक रिलीज वाली ही मिलती है, जस्ट आपको अपनी M.2 वगैरह लगानी है और यहाँ पे बस इसको रखो और ये लॉक, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसा हमने प्रोजेक्ट जीरो वाला PC बिल्ड करा था ना, यहाँ पे लिक्विड कूल्ड प्रोजेक्ट जीरो PC बिल्ड है भाई, देख रहे हो आप, यहाँ पे कोई वायर नहीं, सिर्फ पाइप्स दिख रहे हैं। और ये पाइप्स लग कितने प्यारे रहे हैं, पूरा का ना व्हाइट लाइट में आई है, मतलब ब्लूइश वाला टोन आ रहा है पूरा निकल के। यहाँ पे CPU भी वाटर कूल्ड है और यहाँ पे RAM भी वाटर कूल्ड है, बस ये GPU लगाना भूल गया इसके अंदर। अब जैसे क्लीन सेटअप कर रहे थे ना प्रोजेक्ट जीरो के अंदर, यहाँ पे एम्बेडेड RAM वाला यहाँ पे सेटअप मिलेगा हमारे को। यहाँ पे किंगस्टन फ्यूरी की DDR5 RAM यहाँ पे मदरबोर्ड में लगी लगाई है, एक्सटर्नल RAM के स्लॉट ही नहीं है इसके अंदर की आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़े। और उसके हिसाब से जो हमारा PC बिल्ड होगा वो और भी ज्यादा क्लीन होगा, क्योंकि सारा वायर वाला सिनेरियो, तो पीछे जैसे स्लॉट्स वगैरह है, जिसने प्रोजेक्ट जीरो वाली वीडियो देखी वो देख लेना। और ये RAM ऐसे खुली दिखाई नहीं देगी, इसके ऊपर यहाँ पे हीट सिंक हमारे को मिलेगी, जिसमें थर्मल पैड लगे हुए हैं, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी। उसके बाद आप बोर्ड की लुक देखो, क्या क्लीन निकल जाएगी भाई, जबरदस्त एकदम सिल्वर सिल्वर हिसाब किताब। तो बस यही थे MSI के अपकमिंग प्रोडक्ट्स या जो भी लॉन्चेस इनके होने वाले हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेरे को जो मेरी ऑडियंस के हिसाब से सही लगे ना, मैंने वो सब कवर किए। एंड आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड बाकी तो बहुत लंबी वीडियो हो गई और मैं थक गया हूं बहुत ज्यादा, एंड एक्साइटमेंट अभी बहुत है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है कॉम्प्यूटेक्स से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब और लाइक, और मिलते नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए bye. And you know I'm leaving, I'ma take what's mine with the webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing.